तो चलिए फिर, आज एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है और विश्व इतिहास की विषय वस्तु है कि किस प्रकार से दो विश्व युद्ध जो हुए हैं अभी तक, प्रथम विश्व युद्ध की घटना जो कि 1914 से लेकर 1918 तक हुई और द्वितीय विश्व युद्ध की घटना जो कि 1939 से लेकर 1945 तक हुई, इन दोनों विश्व युद्धों के लिए जिम्मेदार कौन रहा? जर्मनी रहा, किस हद तक जिम्मेदार रहा। अब देखो, जब विश्व इतिहास की बात आती है ना, तो विश्व इतिहास में मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें बहुत सारी घटनाएं, सभी घटनाओं को जोड़ने के बाद हमें घटनाओं को, जब हम सभी घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, क्रमबद्धता से एक एक घटना को समझते हैं, तो बहुत सारी घटनाएं जुड़ करके एक बड़ी घटना बनती है। अब चूंकि विश्व इतिहास में दो महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, तो थोड़ा सा इनकी पृष्ठभूमि जानना आपको बहुत जरूरी है। अब मैं आज के इस छोटे से टॉपिक को, इस टॉपिक तो बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं इसमें जो प्रश्न की डिमांड है, जो टॉपिक की डिमांड है, उसके बारे में तो मैं चर्चा कर दूंगा, लेकिन बात रहे कि मैं विश्व युद्धों को पूरी तरीके से समझाने लग जाऊं तो मुश्किल है। इसके लिए बेहतर यह होगा कि मैं आजाद आईएएस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है, मैंने ऑनलाइन बैच में बहुत डिटेल से विश्व युद्ध पढ़ाए, पूरी विश्व इतिहास पढ़ाई है, डिटेल से पढ़ाई है, मतलब एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, शुरुआत की है और बड़ा इंटरेस्ट, मतलब आप मजा आ जाएगा आपको उसको पढ़ने में, शायद मुझे नहीं लगता विश्व इतिहास कभी आप इतने आसानी से समझ पाए हों। तो विश्व इतिहास की घटनाक्रम के लिए मैं एक काम ये कर दूंगा कि आजाद आईएएस एकेडमी के चैनल पे, जो आपका यूट्यूब चैनल है आजाद आईएएस एकेडमी, आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी को प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों के दो वीडियो पब्लिश कर दूंगा और आप लोग उन्हें देख करके प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को अच्छे से समझेंगे। लेकिन मुद्दा है यहाँ पे, जो प्रश्न पूछ रहा है, किस सीमा तक जर्मनी को दो विश्व युद्धों का कारण बनने का जिम्मेदार ठहराया गया, है ना, ऐसा प्रश्न आता है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में तो सीधा सीधा जर्मनी की एक बड़ी भूमिका देखने को मिलती है, लेकिन क्या प्रथम विश्व युद्ध में भी जर्मनी एक बड़ा कारक रहा? बिल्कुल हाँ, इसमें कोई बात ये नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखें, द्वितीय विश्व युद्ध में भी पूरी तरीके से देखा जाए, जर्मनी ने शुरुआत जरूर की, पोलैंड पे हमला किया जर्मनी ने, जब पोलैंड के गलियारे पर जो बम पे पहला बम फेंका, जर्मनी को नहीं पता था कि एक इतनी बड़ी घटना बन जाएगी, हिटलर को यह जानकारी नहीं थी कि यह द्वितीय विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध पोलैंड के हमले से प्रारंभ होता है, तत्कालिक कारण वही था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का घटना, यह झगड़ा है ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच का, यह झगड़ा है प्रथम विश्व युद्ध का झगड़ा, यदि तत्कालिक कारण में देखें, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो पूरी डिप्लोमेसी है, पूरी डिप्लोमेसी, बाल्कन युद्ध हुए, प्रथम बाल्कन युद्ध हुआ, द्वितीय बाल्कन युद्ध हुआ, काला सागर का पूरा मुद्दा था, फिर इसको लेकर के जर्मनी और फ्रांस को लेकर के आपस में मतभेद थे, जर्मनी और फ्रांस को लेकर मतभेद थे, क्या थे, फ्रांस का बहुत बड़ा हिस्सा जो लोरेन वाला हिस्सा है, जहां पर लोहा बड़ी मात्रा में पाया जाता है, वो हिस्सा जर्मनी के कब्जे में आ जाना, जर्मनी का फ्रांस को अलग थलग कर देना पूरे विश्व से, फिर गुट बनना चालू होना, गुटबाजी होना, है ना, हुआ ना, जर्मनी इटली और हंगरी के द्वारा एक गुट बनाया गया, एक गुट इधर ऑस्ट्रिया हंगरी, एक गुट इनके द्वारा बनाया गया, एक गुट बनाया गया फ्रांस ब्रिटेन और रूस के लिए, सब अपने अपने हितों के लिए लड़े और एक बड़े विश्व युद्ध में बदल गया। ये तो रही पुरानी बात है, अभी आप लोग देख रहे हैं ना, COVID-19 है, कोरोना महामारी है, इसमें भी बहुत बड़े संशय लगाए जा रहे हैं, और आपने एक अभी मुद्दा पढ़ा होगा G7+ भारत, है ना, और G10 का भी मुद्दा आप लोग सुन रहे होंगे, जिसमें से तीन देशों को जोड़ करके देखा जा रहा है, G7+ भारत, ऑस्ट्रेलिया प्लस दक्षिण कोरिया, D10 की संकल्पना, G7 की संकल्पना, ये आप लोग कुछ सुन रहे होंगे, ऐसे टर्म्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आपको एक चीज बताऊं, इस समय अमेरिका COVID-19 से सबसे ज़्यादा पीड़ित देशों में से एक है, विश्व का देखा जाए तो एक सबसे शक्तिशाली देशों में से एक अमेरिका, यहाँ तक ये कहें कि विश्व की जितनी बड़ी संस्थाएं, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे WTO हो, या फिर NSG हो, या फिर कोई भी संस्था हो, वहाँ पर अमेरिका अपने आप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरे विश्व का नेतृत्व करता है, है ना, एक लीडर के तौर पे। लेकिन COVID-19 ने कहीं ना कहीं पे उसको बहुत पीछे लाके खड़ा कर दिया और उसके मन में एक भ्रम पाल दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक महाशक्ति का दर्जा मुझसे छिन जाएगा, सुपर पावर का दर्जा छिन जाएगा, और आने वाले भविष्य में तो इस समय एक गुटबाजी फिर चालू हो गई। आपको शायद पता है ये G7+3 यानी D10 का जो मामला है, यदि आप देखेंगे तो इसमें हित ही है, अमेरिका के अपने बहुत सारे हित छुपे हुए हैं इसमें, भारत को भी सम्मिलित करने की बात हो रही, भारत के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन
लेकिन एक चीज देखेंगे आप, मैं चलो अभी देखो, मैं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध अभी आपको समझाऊंगा ही, लेकिन थोड़ा सा करंट का सिनेरियो मैं थोड़ा आपको बताऊं। जैसे मैं जब मैं कभी बैठता हूं और एक विश्व इतिहास का छात्र के नाते मैं देखता हूं कि विश्व इतिहास में बहुत सारी गलतियां हुई। विश्व इतिहास में बिस्मार्क जैसा एक ऐसा कूटनीतिज्ञ था, जर्मनी का जो पूरा का पूरा आज जर्मनी का जो उद्भव था, ये जर्मनी को प्रारंभ करना, जर्मनी का एकीकरण करना, इटली के एकीकरण में भी बिस्मार्क की भूमिका बहुत बहुआयामी रही। जर्मनी के एकीकरण में भी बिस्मार्क की भूमिका रही और इटली के एकीकरण में कैबूर और आपका जो है बिस्मार्क दोनों की भूमिका रही। बिस्मार्क मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां चालू हुई हैं या IR जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या कूटनीति चालू हुई है, ये बिस्मार्क की देन है। बिस्मार्क एक ऐसा शासक था, है ना, और उसने पूरे के पूरे जर्मनी का एकीकरण किया। यदि बिस्मार्क होता तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में मुश्किल था कि जर्मनी को किसी भी तरीके से पराजित कर दिया जाता, क्योंकि वो ऐसे ही कूटनीति करता था बिस्मार्क कि कोई भी देश कभी भी जर्मनी के समक्ष जाकर के खड़ा ही नहीं हो पाता था। तो अब चलो कभी मैंने ये सब ऑफलाइन वालों को पढ़ाया है, यदि वो अभी मुझको कुछ लोग सुन रहे होंगे तो समझ रहे होंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की घटना यदि दोनों को देखें आप, तो आप वर्तमान सिनेरियो पे देखें तो वर्तमान सिनेरियो कैसा बनता हुआ दिख रहा है। वर्तमान सिनेरियो में अमेरिका देश, आप देख रहे हैं चाइना का विस्तारवादी नीति है, ये बात सही है। चाइना की उपस्थिति दक्षिण चीन सागर में, चाइना की उपस्थिति हिंद महासागर में, चाइना की उपस्थिति अफ्रीकन कंट्री में, चाइना की उपस्थिति है ना अटलांटिक महासागर में, चाइना की उपस्थिति कहाँ पर है, लैटिन अमेरिका देशों में जो दक्षिण अमेरिका वाला हिस्सा है और मध्य अमेरिका वाला हिस्सा है, हर जगह चाइना अपने जो है कहीं सिल्क रोड ले आ रहा है, कहीं OBR ले आ रहा है, कहीं RCEP ले आ रहा है, विभिन्न प्रकार के बंदरगाहों को लीज में ले रहा है। हम्बन टोटा तो श्रीलंका के यहाँ से निकल गया, यही हाल ग्वादर की हो गया है। पाकिस्तान बड़े कर्जे में डूब गया तो विश्व में अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों पर उसने कैप्चर किया है। तो चाइना एक पूरी कूटनीति के तहत चालबाजी कर रहा है। अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पे अमेरिका एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है, तो थोड़ा सा विचारधारात्मक जुड़ाव भी नहीं है दोनों देशों में। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है जहाँ निरंकुश लोकतंत्र है, जहाँ पर विपक्ष नहीं है। और यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एक सशक्त लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे संविधान है, जहाँ पे शासन सत्ता एक पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलाई जाती है। तो दोनों में विचारात्मक बदलाव भी है। तो चलो मैं आपको एक आने वाले भविष्य की शंका बताता हूँ, ये बात सही होगी कि नहीं होगी, लेकिन मेरा खुद का कैलकुलेशन है। आप अभी देखेंगे तो G7+3 यानी D10=D10 ये संकल्पना जो निकल के आ रही है, या G7+ भारत, क्योंकि एशिया में एक बड़े बड़े देशों में देखा जाए बड़ी जनसंख्या, बड़ी बाजार, बड़ी अर्थव्यवस्था, एक लीडरशिप क्वालिटी, एक जिम्मेदार देश भारत ही दिखाई देता है जो चाइना का काउंटर कर सकता है, जिसके पास एक अच्छी अपनी खुद की सैन्य पावर है। आज भारत बहुत बड़े स्तर का सैन्य पावर वाला देश है, है ना, जिसकी सॉफ्ट पावर बहुत महत्वपूर्ण है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, जो विश्व में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की छवि में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है हमें। तो ओवरऑल यदि आप पूरा का पूरा सिनेरियो समझें तो आप खुद पाएंगे कि मतलब पूरा विश्व एक अलग तरीके से डील किया जा रहा है, अलग तरीके से पूरे विश्व को डील करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये अलग तरीका क्या है, मैं यही समझाना चाहता हूँ। यदि आप मेरी कुछ बातों को समझ पाए तो आपको खुद आनंद आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा कि अरे वाह ये क्या है, ये कैसे चीज़ों को लेकर के। तो मैं यही चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो पूरा का पूरा D10 वाला मामला है, इसमें मान लीजिए एक तो आपके G7 के बड़े मजबूत देश हैं, लेकिन ये मजबूत कैसे, अर्थव्यवस्था के तौर पे मजबूत हैं ये, जैसे कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, यहाँ तक जापान, जर्मनी, इटली, अमेरिका, कनाडा, ऐसे कंट्री हैं। G8 हुआ करता था लेकिन रशिया को निकाल दिया गया है। तो रशिया तो अलग थलग कर दिया गया था बहुत पहले, जब यूक्रेन और क्रीमिया वाला मुद्दा उठा था तब रशिया को हटा दिया गया था। रशिया ने क्रीमियन प्रायद्वीप पर कैप्चर कर लिया था, उसको कैप्चर कर लिया था, रेफरेंडम कराया, रेफरेंडम में उसने दिखाया कि रशिया के पक्ष में, और उसके बाद वो कैप्चर हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो अभी का पूरा यदि सिनेरियो देखें आप, तो आप पाएंगे कि एक गुट क्रिएट हो रहा है, एक बड़े प्रतिनिधित्व वाला गुट जिसमें भारत को भी सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका भी है, विभिन्न डेवलप्ड इकोनॉमी भी है, जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये जितने कनाडा हो गया, G7 कंट्री प्लस भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, ये सभी कंट्रियों को एक साथ लिया जा रहा है। ठीक है, अब आप एक चीज और देखें,
यदि ये बनती है संकल्पना, सही बनती है, अब हम छोड़ क्या रहे हैं, चाइना अलग थलग, काउंटर चाइना यदि ग्रुप बना, ये मान लीजिए काउंटर चाइना ग्रुप बना तो चाइना अलग है ना, यदि चाइना अलग तो चाइना के साथ साथ यदि हमने रसिया को भी अलग थलग कर दिया, मान लो जो D10 बनेगा रसिया को भी अलग थलग कर दिया, तो चाइना रसिया यदि एक साथ कभी कोलैब हो गए, उत्तर कोरिया कहीं कोलैब हो गया, ईरान, वैसे भी ईरान अमेरिका संबंध अच्छे नहीं, ईरान भी कोलैब हो गया एक ग्रुप में, इधर से पाकिस्तान पहुंच गया, तो एक ग्रुप ये क्रिएट हो जाएगा वर्तमान परिदृश्य में। आप देखें ये सब आइसोलेटेड है, पाकिस्तान तो तुरंत एंटी इंडिया है ना, भारत विरोधी, तुरंत चाइना के साथ, वैसे भी वो चाइना की हाँ में ही हाँ बोलता है, चाइना ने कह दिया ये तो ये, चाइना उसे उठक बैठक लगवा दे तो बैठ जाएगा। तो चाइना और पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, ईरान, रसिया, वैसे रसिया को मैं बड़ा जिम्मेदार देश समझता हूँ, रसिया ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी वैश्विक परिदृश्य में अपनाई है, जब USSR था तो इस समय लीडर था, वर्ल्ड लीडर था। तो यदि ये G10 और ये दुनिया D10 की पूरी जो पूरी पॉलिसी निकल के आ रही है, यदि ये संकल्पना हुई, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ तो कोल्ड वार तो हो ही जाए, ऐसा हो जाए कंडीशन, COVID-19 आने वाले भविष्य में एक असुरक्षात्मक वातावरण तैयार करेगा पूरे विश्व के लिए। और यह असुरक्षा पहली बार असुरक्षा नहीं है, ऐसी असुरक्षाएं बहुत हुई हैं, वही असुरक्षा की बात कर रहा हूं। देखो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध कुछ नहीं था, यदि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध को मैं आसान भाषा में समअप करना चाहूं आपको, तो मैं 3-4 शब्द लिखता हूं यहां पे, ये सारे शब्द आप लोग क्रम से देखते जाइएगा, आपको प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध आसानी से समझ में आ जाएंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में मैं 3-4 बातें लिखूंगा, आपका काम हो जाए। पहला है फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, और दूसरा है आपका सेकंड वर्ल्ड वार। मुझे दोनों विश्व युद्धों को पढ़ने के बाद दो चीजें कॉमन लगी, इन दोनों विश्व युद्धों में एक ही काम हुआ, पहला कार्य था साम्राज्यवादी शक्तियों का शोषण। पहला कारण क्या था? साम्राज्यवादी शक्तियों का शोषण। तो पहला रीजन था साम्राज्यवाद, साम्राज्यवादी विचारधारा शोषण करती है, तो पहला रीजन साम्राज्यवाद रहा। दूसरे रीजन पे आते हैं, आर्थिक प्रतिद्वंद्वता। आज आप वर्तमान में भी देखो, ये आप देख रहे होंगे, चाइना ऐसा काम पे लग चुका है साम्राज्यवादी विचारधारा पे, आप वर्तमान में भी इसको जोड़ के देख सकते हैं पूरे मुद्दे को। अगला है आपका आर्थिक प्रतिद्वंद्वता, खूब देख रहे होंगे, ट्रेड वार चल रहा है, अब आत्मनिर्भर भारत की बात भी है, हम तो भारत तो नहीं है लेकिन इंडिया, चाइना और जो है अमेरिका के बीच में आप देख रहे होंगे, यही प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी था, आर्थिक प्रतिद्वंद्वता, द्वंद्वता। वो ये समय जो है ना, ये समय कैसा समय था? ये समय था औद्योगिक क्रांति के बाद का समय, और औद्योगिक क्रांति के बाद सभी देशों के पास बड़े स्तर का जो है कारखाना उत्पादन प्रणाली के माध्यम से बड़े स्तर के उत्पाद बनते थे और सभी को बाजार चाहिए था, तो साम्राज्यवादी विचारधारा बहुत तेजी से ऊपर उठी थी। और इस समय मैं बताऊंगा, अब ये चीज मैं बहुत डिटेल से विश्व इतिहास में ही पढ़ा सकता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय पहले कौन कौन से देश थे जो साम्राज्यवादी शक्तियों के तौर पर लगे हुए थे, और कौन कौन से देश थे जो कि केवल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे जर्मनी, जापान, ये साम्राज्यवादी शक्तियां बन गए। जर्मनी, इटली यही तो करने लग गया, म्यूनिक समझौता हो जहां पे चेकोस्लोवाकिया को लेकर के उसने अधिग्रहण किया, या पोलैंड का मामला रहा हो, ऑस्ट्रिया का मामला रहा हो, हर जगह पे जर्मनी क्या कर रहा था, जापान ने भी यही काम किया, प्रशांत महासागर के द्वीपों को कैप्चर करना चालू कर दिया। तो पूरा का पूरा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी शक्तियां बड़े तेजी से उभरना चालू होती हैं, ठीक है। आर्थिक प्रतिद्वंद्वता ये देखने को मिलती है, कूटनीति, डिप्लोमेसी ये तो रही ही हमेशा, और ये हमेशा होती है अपने अपने हितों का साधना। कूटनीति को आसान भाषा में समझाओ चाहो तो कुछ नहीं है, अपने हितों को सर्वोपरि रखना, येन केन प्रकारेण अपने हितों को मनवाने का प्रयास करना, यही कूटनीति है, और क्या है, यही कूटनीति है, ठीक है। साम दाम दंड भेद कैसे भी तरीके से करके अपने हितों को सर्वोपरि रखना। एक जो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में, वो थी गुप्त संधियां। ये हुई विभिन्न देशों के बीच में, प्रथम विश्व युद्ध में भी दो गुट थे, एक गुट इधर था, एक मित्र राष्ट्रों का था, दूसरा दूरी राष्ट्रों का था, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी दो गुट थे,
द्वितीय विश्व युद्ध में भी दो गुट थे, ये भी एक मित्र राष्ट्रों का था और दूसरा धुरी राष्ट्रों का था। तो ये दो गुट बन कैसे गए? ये दो गुट ऐसे थोड़ा ना बन गए, आज इतनी जल्दी थोड़ा ना कोई गुट बन जाता है, इतनी जल्दी थोड़ा ना गुट बन जाता है। गुट कोई ना कोई संधि हुई थी, और ये संधि कैसी थी? गुप्त संधियां हैं सब, ये गुटबाजी संधियों कारण हुई। तो यहाँ पे एक रीजन मिला इनको, जैसे यहाँ पे रीजन ऑस्ट्रिया और सर्बिया निकल के आया, ऑस्ट्रिया प्लस सर्बिया, ये दो रीजन निकल के आए, ठीक है, ऑस्ट्रिया और सर्बिया, ये दो रीजन। अब देखो मैं क्वेश्चन पे आता हूं लेकिन समझाऊंगा आपको, एक छोटी सी घटना बताता हूं प्रथम विश्व युद्ध शुरू कैसे हुआ था। ऑस्ट्रिया का राजकुमार है ना, कहाँ गया? बोस्निया गया, उस समय बोस्निया घूमने गया, टहलने गया, तभी सर्बिया के एक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कहाँ हो जाती है? बोस्निया में। करता कौन है? सर्बिया। सर्बिया का सर्बियन नागरिक ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी, और इसी हत्या के कारण से दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्वता चालू हो जाती है। रीजन क्या था? जो वो पूरी की पूरी हत्या हुई थी, बहुत सारे मामले हैं, उसकी जो जांच कमेटी बनती है, जांच कमेटी में ऑस्ट्रिया जिद करता है कि मुझे भी सम्मिलित किया जाए, लेकिन फाइनली सर्बिया इसके लिए तैयार नहीं होता। और फाइनली होता कि आप खुद सोचिए, किसी से देश के शासक के शासक को किसी देश का नागरिक मार दे, और चूंकि उस समय सुरक्षा विश्वास का वातावरण था ही, विभिन्न देशों के साथ चुके थे, सबकी आपस में संधियां हो चुकी थी। सर्बिया की संधि रूस से हो चुकी थी, बाल्कन कंट्री, सर्बिया की संधि, अब चूंकि रूस से संधि थी, ब्रिटेन और फ्रांस से संधि थी, है ना। अब ये देखो, ये मित्र राष्ट्रों की तरफ चला जाएगा, दूरी राष्ट्रों की, यहां पे इसकी जर्मनी से संधि थी, है ना, तो सबकी, यहाँ पे इटली इधर आ जाता है, इटली मित्र राष्ट्रों में, प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों में रहता है, तो सब संधियों में बटे हुए थे और कुछ नहीं है, सब संधियों में। यहाँ पे तुर्की रहता है। अब देखो इसके पीछे की पूरी कहानी है, प्रथम विश्व युद्ध होने के पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, इसके पीछे के कई सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया, जैसे बाल्कन युद्ध, बाल्कन समस्या। अब आपको बाल्कन देश जैसे सर्बिया, रोमानिया, ये सब बाल्कन देश हैं, और यूनान, ये सब बाल्कन देश हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, है ना। और इसमें पूरी की पूरी घटनाक्रम है, पहले ऑटोमन साम्राज्य का यहाँ पे शासन था, ऑटोमन साम्राज्य के शासन के बाद जो है इन देशों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, ऑटोमन साम्राज्य जो है पूरी तरीके से कमजोर पड़ने लगा, है ना। तो राष्ट्रवाद की सामने कांट से पहला बाल्कन युद्ध हुआ तुर्की के खिलाफ, तुर्की पराजित हो गया, इसके बाद बाल्कन देशों के द्वारा जो मैसेडोनिया का क्षेत्र जो है तुर्की से लिया गया था, उस क्षेत्र के बंटवारे में फिर इनसे युद्ध हो जाता है आपस में, बाल्कन टू भी होता है, दो बाल्कन युद्ध होते हैं। इससे पहले क्रीमिया युद्ध हुआ था, है ना, क्रीमिया युद्ध भी इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें रशिया वाला पूरा मामला मैंने भी ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच में बताया था कि किस तरीके से रूस और तुर्की को लेकर के फ्रांस वाले मुद्दे पे पूरा का पूरा जो काला सागर का मुद्दा था, रूस तुर्की और फ्रांस, ये पूरा त्रिगुट बना था, और इनके बीच में एक बड़े स्तर का, उस समय नेपोलियन बोनापार्ट था, तो किस तरीके से यहाँ पर एक क्रीमिया युद्ध हुआ था, व्यर्थ का लड़ा गया युद्ध हुआ था। और इसको ये भी कहा जाता है कि एक जो है जेरूशलम वाला जो पवित्र क्षेत्र है वहाँ पर एक चर्च की चाबी को लेकर के भी लड़ाई हुई थी। तो ये क्रीमिया युद्ध जो हुआ था, ये इसकी भी भूमिका प्रथम विश्व युद्ध में देखने को मिलती है। इसके बाद जो है जर्मनी और फ्रांस की प्रतिद्वंदता इसमें बिस्मार्क की सबसे बड़ी भूमिका है, ठीक है। तो ऐसे विभिन्न कारण है जिबे में, विभिन्न कारणों ने, जिसमें तत्कालिक कारण यह बना ऑस्ट्रिया का राजकुमार और सर्बिया के एक नागरिक के द्वारा उसकी हत्या कर दिया जाना, क्योंकि अविश्वास का वातावरण था ही, ये आपस में किसमें बंधे हुए थे, आपस में इन समस्याओं से जूझ रहे थे, साम्राज्यवादी, आर्थिक प्रतिद्वंदता, गुप्त संधियां, आपस में संधि कर रखे थे, और जैसे ही इनको कोई कारण मिला, ये क्या हो गए, एक दूसरे के साथ, ये क्या हो गए, एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए उतारू हो गए, और एक एक गुट में जाकर के मिल गए, इधर मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, है ना, ये सारे देश रहे, सर्बिया, इधर आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, है ना, इस तरीके से तुर्की, ये विभिन्न देश यहां पर आ गए, और फाइनली प्रथम विश्व युद्ध का भयावह युद्ध हुआ।
इसको सर्वात्रिक युद्ध की संज्ञा दी जाती है। तो इतिहास में जो मानव इतिहास की सर्वाधिक भीषण त्रासदियां हैं, दो भीषण त्रासदियां, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, उनका महत्वपूर्ण कारक क्या था? महत्वपूर्ण कारण यही थे, साम्राज्यवाद, आर्थिक प्रतिद्वंदा, कूटनीति और गुप्त संधियां, यही महत्वपूर्ण कारण थे। लेकिन कुछ तत्कालिक कारणों की आड़ में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुए। ठीक है, अब देखिए जर्मनी की बात यदि आप करते हैं, जर्मनी का रोल कितना रहा। जर्मनी, ये बात सत्य है, 1870 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण रहा, एक महत्वाकांक्षी की देश के तौर पे जर्मनी हमेशा रहा, जर्मनी का एकीकरण। और प्रारंभ में बिस्मार्क की भूमिका, बिस्मार्क ने जिस तरीके से जर्मनी को डील किया, बिस्मार्क, अब बिस्मार्क ये चाहता था कि जर्मनी के पास संसाधन उपयुक्त रहे और जर्मनी यूरोप का नेतृत्व करे, जर्मनी यूरोप का नेतृत्व करे। और इसके तहत बिस्मार्क ने फ्रांस को पूरे यूरोप से अलग थलग करने की कोशिश की। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण के साथ साथ जर्मनी का आर्थिक और सैन्य शक्ति के तौर पर उदय होना, दोनों विश्व युद्धों के पहले ये जरूर हुआ है कि जर्मनी आर्थिक और सैन्य शक्ति के तौर पे महत्वपूर्ण देश बन के उभरा है। जैसे ही दोनों विश्व युद्ध प्रारंभ हुए हैं, जर्मनी एक महत्वपूर्ण देश बन करके उभरा है, और जैसे ही ये हुआ है वैसे ही यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ गया है। क्यों? यूरोप का शक्ति संतुलन कैसे रहा? यूरोप में शक्ति संतुलन करने वाली सत्ता के तौर पर दो शक्तियां हमेशा प्रयासरत रही है, पहला रहा है ब्रिटेन, दूसरा रहा फ्रांस। पहले तो आपस में ये लड़ते रहते थे, कभी सप्तवर्षीय युद्ध हो जाता था, नेपोलियन के समय में तनाव उच्च स्तर पे था। तो ये दोनों व्यापारिक और साम्राज्यवादी शक्तियां थी, ये भी व्यापार करता था, ये भी साम्राज्यवादी थी, और इनका उद्देश्य था कि कोई तीसरा खिलाड़ी ना निकल के आए। लेकिन तीसरा खिलाड़ी कौन आ गया? जर्मनी। तीसरा खिलाड़ी आ गया जर्मनी, और जब तीसरा खिलाड़ी जर्मनी आया, ना तो इसे भाया ना तो इसे भाया, और ऐसी कंडीशन में ये एक गुट बनाना शुरू करता है और ये एक गुट बनाना चालू करते हैं, और यही गुट आगे चल के प्रथम विश्व युद्ध की घटना में तब्दील हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, वैसे ही जर्मनी के ऊपर बहुत सारी संधियां लाद दी जाती हैं जो पराजित होने वाले देश हैं, जैसे वर्साय की संधि आपने सुनी होगी। वर्साय की संधि ने हिटलर को जन्म दे दिया, जर्मनी में हिटलर को जन्म दे दिया, और हिटलर की नीतियों ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दे दिया, हिटलर की नीतियों ने। यह चूंकि बड़ी अपमानजनक संधि थी, यह बहुत अपमानजनक संधि थी, वैसे भी आर्थिक मंदी के दौर से पूरा विश्व, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक महान आर्थिक मंदी आई, यह आपने आपने पढ़ा होगा 1929 की महान आर्थिक मंदी। तो महान आर्थिक मंदी और जर्मनी की जो हालत थी, जर्मनी को बहुत सारी प्रथम विश्व युद्ध का हर्जाने के तौर पे उसको एक तरीके से बेइज्जत किया गया, और इनको लग रहा था कि बेइज्जत करने के परिणाम स्वरूप शायद जर्मनी अब दोबारा उठ के खड़ा ना हो। तो जर्मनी की जो इकोनॉमी पूरी तरीके से ढह चुकी थी, तो जो अपमान का बदला लेने की नीति हिटलर ने सोची, वही द्वितीय विश्व युद्ध की अवधारणा है ना। तो दोनों विश्व युद्धों में हिटलर की महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये बात सत्य है। ठीक है, और जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये सत्य है। तो जर्मनी का आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में उदय दोनों विश्व युद्ध की पूर्व घटनाओं में समान रूप से हुआ। दोनों विश्व युद्धों में जर्मनी एक महत्वपूर्ण शक्ति बन करके उभरा। प्रथम विश्व युद्ध में भी जर्मनी एक महत्वपूर्ण शक्ति था, और सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध में भी, इसमें भी जर्मनी एक महत्वपूर्ण विषय देश के तौर पे था, इसमें भी जर्मनी एक महत्वपूर्ण देश के तौर पे था। ठीक है, प्रथम में भी और द्वितीय में भी। ठीक, अब इसके लिए मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं। और जब पहले में ये समस्या आई तो यूरोप की शक्ति संतुलन बिगड़ी, दूसरे में भी जब ये समस्या आई तो यूरोप की शक्ति संतुलन बिगड़ा। शक्ति संतुलन यूरोप में कौन संभाल रहा था? ब्रिटेन और फ्रांस, ये दो देश बड़े महत्वपूर्ण देश थे यूरोप के। रूस भी मान सकते हैं आप, रूस भी, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, रशिया तीसरा खिलाड़ी रहता था, रूस भी था, वो भी परेशान था। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या शक्ति संतुलन, जिसमें सैन्य असुरक्षा की भावना जागृत हुई, किससे? जर्मनी से, इन दोनों देशों को। और कारण आगे चल के लगातार यही होगा कि फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी, इटली व ऑस्ट्रिया का त्रिगुट बनता है। कब बनता है? 1882 में, 1882 में फ्रांस के विरुद्ध एक त्रिगुट बनाया जाता है, जर्मनी प्लस इटली प्लस ऑस्ट्रिया, इन तीनों का त्रिगुट बनाया जाता है। इन सबके हित निहित हैं,
ठीक है। अब जब ये त्रिगुट बनता है तो इनमें असुरक्षा की भावना आ जाती है, तो फाइनली ये भी अपने अपने हितों की, क्योंकि रूस को चाहिए था काला सागर, रूस काला सागर के लिए बेताब था, बेचैन था। काला सागर इसलिए चाहिए था क्योंकि यदि उसे काला सागर मिल जाएगा तो मरमरा और एड्राटिक से होते हुए भूमध्य सागर आ जाएगा, और भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर, उसको एक पूरा का पूरा व्यापार मिल जाएगा। अब उसको वो भी पूरे विश्व में एक बड़ी शक्ति बन के उभरेगा, क्योंकि वहां पर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था रशिया में भी, और वो भी चाहता था कि एक बड़ा बाजार मिले उसे और वो भी ये कार्य कर सके और अपनी नौसेना को सशक्त कर सके, लेकिन उसके लिए खुला समुद्र होना बहुत जरूरी है। वो काला सागर के माध्यम से ही मिलता। अभी भी देखेंगे पूरा का पूरा क्रीमिया का जो मामला था, जो यूक्रेन और क्रीमिया और रशिया के बीच का मामला था, वो पूरा का पूरा काला सागर विवाद को लेकर के ही था। अब आगे बात करते हैं, अब मैप आप लोगों के दिमाग में है कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता कि आप लोगों को मानचित्र है कि नहीं। चलो मैं क्लास पब्लिश करूंगा, प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हुआ, दोनों वीडियो आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। पूरी तो नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसके पीछे बहुत सारी घटनाएं पूरी ऑनलाइन बैच में पढ़ाई हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को उसमें समझ में आ जाए, तो वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा और आप लोगों को शायद समझ में आ जाए पूरी की पूरी कहानी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि यूरोप में गुटबाजी चालू हो गई, पहली गुटबाजी जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया के द्वारा किया गया, एक त्रिगुट बना। और इसके बाद 1907 में एक त्रिगुट ये बनाया, ये पहला त्रिगुट बना 1882 में, और 1907 में एक त्रिगुट बना ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का। इन तीनों के अपने हित थे, इन्होंने भी अपना गुट बनाया। चूंकि जर्मनी नहीं चाहता था कि काला सागर में रूस आए, जर्मनी नहीं चाहता था, ठीक है। सबके अपने अपने हित हैं और अपने अपने हितों से सब जुड़े हुए हैं। इसके बाद रूस और जर्मनी में थोड़ा सा विचारधारात्मक अंतर भी था। कारण क्या था, वहां पर सर्व स्लाववाद था और यहाँ जर्मनी में सर्व जर्मनवाद की भावना थी। तो ये जो पूरा का पूरा एक तरीके से नस्लीय भावना, नस्ल को महत्व देना, इसको लेकर के भी दोनों में आपस में और विभिन्न प्रकार के जो इनके विचारधारात्मक मतभेद थे, इससे भी जर्मनी और रशिया एक साथ नहीं आ पाए। असुरक्षा का माहौल लगातार बढ़ता गया। ऑस्ट्रिया और सर्बिया, ये दोनों का पूरा मुद्दा निकल के आया। और इसके बाद आपका लगातार क्या हुआ, इसके बाद लगातार आपका प्रथम विश्व युद्ध की घटना घट गई। प्रथम विश्व युद्ध की घटना में कौन पराजित हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की घटना में ये मित्र राष्ट्र जीत गए, ठीक है, मित्र राष्ट्र जीत गए और इसमें धुरी राष्ट्र पराजित हुए। हाँ, मित्र राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध में जीतते हैं और धुरी राष्ट्र पराजित होते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। इसके बाद वर्साय की संधि हुई और वर्साय की संधि होने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का बीज जो है आ गया, और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद का जन्म होता है, हिटलर का उदय होता है, वैश्विक आर्थिक मंदी आती है जिसमें जर्मनी पूरी तरीके से अपने आप को विश्व में सबसे अलग थलग समझता है। और उसी समय हिटलर के द्वारा निशस्त्रीकरण के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया जाता है, और सैन्य क्षमता को बढ़ाने के बाद राइनलैंड के क्षेत्र में, फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों में, इसके बाद जो आपका चेकोस्लोवाकिया का क्षेत्र है, विभिन्न हिस्सों में हिटलर के द्वारा लगातार अभियान किए जाते हैं और उन अभियानों में सफलता प्राप्त की जाती है। फाइनली पोलैंड के ऊपर आक्रमण करता है और पोलैंड के ऊपर किया गया आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म देता है। और इस कारण से देखा जाए तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों के प्रारंभ होने की स्थिति में जर्मनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहा, लेकिन यह बात तय है कि उस समय विश्व समुदाय में अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी उपस्थित थी जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। तो जर्मनी एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर जरूर था, लेकिन इसमें अन्य महत्वपूर्ण देश भी रहे जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। तो चलिए इस पूरी कहानी को जो मैं वीडियो आप लोगों को भेजूंगा उनको देख लीजिएगा, कल आज या कल में वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा, और जैसे ही आप लोग इनको देखेंगे तो शायद मेरा कल आप लोगों को प्रथम विश्व युद्ध का वीडियो दे दूंगा, और फिर आपको एक दो दिन बाद आप मुझे उस पर कमेंट करके बताइएगा, इसके बाद मैं आपको द्वितीय विश्व युद्ध का दे दूंगा, ठीक है। नोट्स भी प्रॉपर उसमें बनवा दिए गए हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये बड़ी घटनाएँ हैं और यही विश्व इतिहास की, इनसे लगातार प्रश्न भी आते हैं तो समझ भी जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर ये क्वेश्चन आप लोग निश्चित तौर पर आप लोगों ने इसको लिखा होगा, दो से तीन बार समझा भी होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं, सारी चीजें हैं, तो इसको आप वीडियो के माध्यम से आज़ादी इस एकेडमी में आएगा तो उसको समझिएगा अच्छे से, उसमें दो घंटे की क्लास एक होगी तो उससे आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ, इसी के साथ यहाँ पे सेशन समाप्त करता हूँ। मंडे को फिर मिलेंगे और उसमें आप लोगों का काम क्या रहेगा, उसमें आप लोग नेक्स्ट टॉपिक को आप मेरे साथ पढ़ेंगे, लगातार जो है ये टॉपिक चलते रहेंगे आप लोगों के। चलिए अब